क्लास नाइन्थ के सभी विद्यार्थियों, लो जी मैं आपको सोशल साइंस का आज पेपर समझाता हूँ। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? उड़ीसा से। ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाले पवन को क्या कहते हैं? लू। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला प्रदेश है? अरुणाचल प्रदेश। हिटलर के प्रचार मंत्री तो कौन थे? गोबेल्स। लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, ये परिभाषा अब्राहम लिंकन द्वारा ली गई थी। पालमपुर गांव में कितने प्राथमिक विद्यालय हैं? दो। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा अक्टूबर से नवंबर। समानता का अधिकार, यहाँ से मौलिक अधिकार आप बढ़िया से भरना है आपको, देख लीजिएगा। बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ था। पहला जो है उसका जाएगा आपका रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। वाइमर गणराज्य की जो स्थापना है वो 9 नवंबर 1918 में हुई थी। वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका का शेयर मार्केट, कच्चा माल हुआ तथा नगद पैसा, कार्यशील पूंजी। चीन की बात करें तो चीन का जाएगा आपका राष्ट्रीय जनसंसद और खाद्य सुरक्षा अधिनियम 1913। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? गोदावरी को। तृतीय क्रियाकलाप के उदाहरण दीजिए, परिवहन एवं संचार सेवाएं। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? 1900 सितंबर में हुई थी ये, और 1939 में। यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है, यूनानी में क्रोशिया का अर्थ होता है शासन। वर्साई संधि कब हुई थी? 28 जून। नागरिकों का प्रतिनिधि चुनने का अधिकार क्या कहलाता है? मताधिकार। अब अगला है आपका, भारत में जनसंख्या का वितरण समान है तो भैया असमान है। दूसरा जो है 940 महिलाएं 1000 पुरुष पर, तीसरा भी आपका असत्य है, चौथा जो है वो असत्य है, जनसंख्या वृद्धि में गरीबी बढ़ती है तो ये सत्य है, और छठा आपका ये पर ये भी सत्य है। अगला देखिए, यहाँ पर व्यापारिक पौने किन्हें कहते हैं? भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? वनों के दो महत्व लिखना है, वन संरक्षण क्यों आवश्यक है। भारत के दो औषधि पौधों के नाम और गुण लिखना है। यहाँ से देखिए, फ्रांसीसी क्रांति कब आरंभ हुई थी, इसके दो प्रभाव। कब और किस नहर के खुलने से भारत में यूरोप के बीच की दूरी कम हो गई है? इसके बाद में यहाँ से ये हो गया है, व्यापारिक पौने किन्हें कहते हैं, हो गया इतना। इसके बाद में ये भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद में ये यहाँ से देख लिए, थोड़ा सा बड़ा करते हैं, वनों का महत्व बताइए, ये वनों का महत्व लिखना है आपको। तीन पॉइंट बहुत है, चार लिखे यहाँ पर, तीन कर लेना आप, याद कोई से भी 5, 6, 7, 8 लिख दिए यहाँ तो, और आपको तीन पॉइंट ज्यादा नहीं करने भले ही। वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? भारत के दो औषधि पौधों के नाम और उनके नाम और गुण लिखने हैं। प्रवासी पक्षी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लीजिए, जीविका संकट प्राचीन राजतंत्र के दौरान फ्रांसीसी काफी आम थे, स्पष्ट कीजिए। ये यहाँ से देख लीजिएगा, द्वितीय इंटरनेशनल क्या था, कार्ल मार्क्स कौन था, ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। यहाँ पर देख लीजिए, युद्धों से जंगल क्यों प्रभावित होते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है ये। लोकतंत्र को बेहतर अर्थ से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। संविधान संशोधन क्या है, ये भारतीय चुनाव प्रणाली के प्रमुख दोष बताने हैं आपको। चुनाव में निर्वाचन क्षेत्र का क्या अर्थ है, निर्धारण दीजिए, हो गया इतना। क्वेश्चन नंबर 16 है ये मानव पूंजी का निर्माण क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 17 है।
ये देख लीजिए हिटलर की नीति क्या थी। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन नंबर 20 है आपका। ठीक है, यहां से देखिए ये क्वेश्चन नंबर 22, ये हो गया इतना।